दोस्तों जब हम उठते हैं सुबह तब हमारे पास दो चॉइसेस होती हैं। पहली चॉइस होती है अपना टाइम वेस्ट ऐसे ही कर देना, इधर उधर घूम फिर के मोबाइल पे वीडियो देख के ऐसे ही बिल्कुल टाइम वेस्ट कर देना। दूसरी चॉइस होती है हमारी सुबह उठते अपने जो सपने हैं ना उनको पूरा करने के लिए मेहनत करना दिन रात। और यकीन मानो अगर आप मेहनत करते हैं तो आपके सपने पूरे भी होते हैं। जय हिंद दोस्तों। तो भाई आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे बच्चों के कि सर दिल्ली पुलिस में हेड कॉन्स्टेबल AWTPO का जो ये एग्ज़ाम होने वाला है अक्टूबर महीने में, इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है अलग अलग कैटेगरी वाइज की, जनरल की कितनी जाएगी, EWS की कितनी जाएगी, OBC की, SC ST की कितनी जा सकती है। तो भाई आज इसी बारे में बात करने वाले हैं। पहली बात तो ये दोस्तों कि दिल्ली पुलिस हेड कॉन्स्टेबल AWTPO के जो एग्ज़ाम है इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इससे अनुमान यही लगाया जा सकता है कि कट ऑफ है वो थोड़ी हाई रहने वाली है। हाई इन द सेंस मेनली तो ये डिपेंड करेगा कि भाई आपका एग्ज़ाम किस लेवल का आता है। जो कट ऑफ होती है ना वो डिपेंड करता है आपका लेवल ऑफ एग्ज़ाम क्या है। हो सकता है पेपर थोड़ा टफ आ जाए तो कट ऑफ जाएगी आपकी 70 से 80 के बीच में, और अगर पेपर थोड़ा बहुत भी ईजी आ गया तो ये मान के चलो 83 प्लस का टारगेट तो बिल्कुल होगा। अब ये बात मैं कर रहा हूँ जनरल बात। अब ये मत कहना सर EWS की कितनी जाएगी, जनरल की कितनी जाएगी। भाई सिंपल सी अगर एक बात बता दूँ ना, तो जो आप तैयारी कर रहे हो ना तो ये मत सोचो कि कट ऑफ कितनी जाएगी। आप ये मान के चलो मेरी तरफ से अगर मैं बताऊँ ना तो कट ऑफ मान के चलो 100 का एग्ज़ाम है तो 100 नंबर की कट ऑफ मान के चलो, तब जाके आपकी अच्छी लेवल की तैयारी होगी। दोस्तों आपको भी पता होगा जब आप 100 नंबर की तैयारी करेंगे जब आप 80 से 90 के बीच में स्कोर कर पाएंगे। अब ये सोच लो अगर मान लो मैंने आपको कट ऑफ बता दिया 80, आप तैयारी भी उसी हिसाब से करोगे, फिर मतलब 10 में से आप 8 चीज़ करोगे, 2 नहीं पढ़ोगे। हर टॉपिक के अंदर मान के चलो आप अगर मान लो कोई चैप्टर कर रहे हो 10 में से 8 चीज़ करोगे, 2 चीज़ छोड़ दोगे, और पेपर में क्वेश्चन उसी 2 में से आ गया तो फिर आप क्या करोगे, किसको जवाब दोगे? आप मुझे थोड़ी ना पकड़ने आओगे कि सर मेरे को उसने कहा था। मैं ये कहता हूँ हर चीज़ को पढ़ो A to Z। भाई टाइम है तो टाइम को यूटिलाइज करो ना। YouTube पे क्यों टाइम खराब करते हो ज़्यादा से ज़्यादा? मैं आपको हर वीडियो के अंदर यही कहना चाहता हूँ कि सोशल नेटवर्किंग साइट से जितना दूर रहोगे उतना बढ़िया है। अब आपको भी पता होगा सुबह उठते ही आपके पास क्या काम होते हैं। सुबह उठते ही हमारा काम होना चाहिए फेस धो के और अपना बुक्स पढ़ना। पर दुनिया क्या करती है, सुबह उठते ही फेसबुक लग जाती है, उसका फेस और बुक का जो गैप था उसको ख़त्म कर दिया। फेसबुक बना के अपना फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, कोई ट्विटर देख रहा है, कोई व्हाट्सएप देख रहा है, दुनिया के गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कर रहा है। अरे क्या फ़ायदा है, कुछ फ़ायदा है गुड मॉर्निंग करने का दूसरे को? कोई फ़ायदा नहीं है, कोई तुक नहीं बनता। और जो आपको करता है उसको ब्लॉक मार दो कि उसका रिप्लाई ना देना पड़े, कोई फ़ायदा नहीं है। अपना जो पढ़ रहे हो ना उस पर ध्यान दो। दो तरह के लोग होते हैं, एक सुबह उठते क्या करता है फेसबुक पे किसने क्या कमेंट किया, व्हाट्सएप पे किसने क्या मैसेज भेज रखा है, किसने गुड मॉर्निंग भेज रखा है उसको रिप्लाई करना है। तो उसका तो होता है भाई पूरे दिन सोशल नेटवर्किंग साइट से चिपके रहना, ठीक। और दूसरा होगा वो सुबह उठते सोचेगा भाई आज तो मोबाइल बिल्कुल यूज़ नहीं करना, आज तो बिल्कुल पूरा टाइम पढ़ाई पे ध्यान देना है, इतने टॉपिक्स ख़त्म करने हैं, और उसका सिलेक्शन हो जाता है, पहले वाले का नहीं होता। और पहले वाले का नुकसान बताऊँ क्या होता है, पहले वाला मान लो फेसबुक चलाया उसने, फेसबुक पे उसका कोई दोस्त है जो अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ अचीव कर चुका है, तो वो क्या है वो अपनी फ़ोटो वगैरह डाल देता है कि आज उसने बुलेट ले ली, आज उसने मर्सिडीज़ ले ली। तो दूसरा क्या है वो जो देख रहा है ना वो देख के, अरे यार इसने तो फॉर्चूनर ले ली, मर्सिडीज़ ले ली, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बहुत ज़िंदगी में बहुत पीछे रह गया। इससे क्या है सोशल नेटवर्किंग साइट से आपके नेगेटिविटी आती है। कभी भी आप आजमा के देख लेना, ये बात बिल्कुल सच कह रहा हूँ मैं, ठीक। और रही बात, सबसे बड़ा एग्जांपल है UPSC जो बच्चे क्लियर करते हैं ना वो हमेशा यही सलाह देते हैं कि भाई अगर आपको तैयारी करनी है तो सोशल नेटवर्किंग साइट से हमेशा दूर रहो। वो इसीलिए दूर रहते हैं क्योंकि उनका वन माइंडेड फोकस होता है कि भाई मेरे को UPSC क्लियर करना है, वो अपना पढ़ाई में देते टाइम, वो ये नहीं। अगर वो सोशल नेटवर्किंग साइट पर टाइम वेस्ट करेंगे तो उनका मोरल डाउन होता है। भाई सिंपल सी बात है, अगर आप कट ऑफ देख के तैयार करोगे ना, तैयारी करोगे तो आप बॉर्डर लाइन पर रह जाओगे या उस लाइन को क्रॉस ही नहीं कर पाओगे। सिंपल सी बात है, बिल्कुल क्लियर कट बात है ये लिख के दे सकता हूँ मैं आपको। अगर ये बार बार ये देखोगे ना कि कट ऑफ कितनी जाएगी, कट ऑफ कितनी जाएगी, आधी दुनिया यहाँ भी घूम रही है वहाँ भी घूम रही है, सर कट ऑफ कितनी जाएगी, कट ऑफ कितनी जाएगी, सारे दिन तो कट ऑफ के चक्कर में पड़े रहते हो, तैयारी कब करोगे? तैयारी करनी है तो उन्होंने मोबाइल वगैरह सब कुछ बंद करके जब तैयारी करो। मेरे पास नहीं हो जो ये कट ऑफ पूछते हैं ना, तो मैं तुम्हें बताता कट ऑफ कितनी जाएगी। मैंने पहले बताया था मैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हूँ, अगर तैयारी कर रहे हो तो बढ़िया करो, बार बार ये फ़ोन पर टाइम वेस्ट मत करो। और भाई मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपना तैयारी पर ध्यान दो। सबसे जो मेन पॉइंट है ना वो 100 नंबर के पेपर में है,
दुनिया भर भर कमेंट करती रहती है सर ट्रेड टेस्ट में क्या होगा, ट्रेड टेस्ट में कैसे लिखवा के देखते हैं। भाई सब कुछ बता दिया जाएगा, मैंने पहले बताया था आपको, अगर मेरे साथ चलोगे तो मैं आपको टाइम बाय टाइम बताऊंगा। ये नहीं है कि अभी सब कुछ बता दिया, बहुत चीज़ें दिमाग में एक्स्ट्रा, जो आपका मान लो 6 GB स्पेस है तो उसको 6 GB को 2 GB इतना क्यों भर रहे हो कि ट्रेड टेस्ट में क्या होगा, फिजिकल की तैयारी नहीं है, मैं मोटा हूँ, मैं पतली हूँ, कहीं कुछ नहीं हो रहा। 100 नंबर का पेपर क्लियर कर दो, आगे सारी चीज़ें मैं बिल्कुल सारी चीज़ें आपको बता दूंगा कैसे क्लियर होती हैं, और उसके लिए ज़्यादा टाइम भी नहीं चाहिए होता है। टारगेट सेटर बनो ना यार, कि आप उन ऊंचाइयों को छुओ, आप उन टारगेट सेट करो दूसरों के लिए। आप यूं की सोच रहे हो दूसरा कोई टारगेट सेट करेगा हम उसका पीछा करेंगे, बस तैयारी ऐसे करो ना, तुम टारगेट सेटर बनो, तुम दूसरे को चैलेंज करो भाई, हाँ भाई ये मेरा लेवल है, इससे ऊंचे कूद के दिखा, जब होती है तैयारी, और जोश रखा करो। ये नहीं है कि किसी ने कुछ कह दिया तो एकदम मोरल डाउन हो गया, अपना कुछ नहीं है, कोई कहीं का ना तो कोई किसी की बात काम आने वाली, कुछ काम नहीं आएगा। वो आपकी जो पढ़ाई है वो आपसे कभी कोई नहीं छीन सकता, तो जितना पढ़ोगे वो उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अभी तो आप ये पूरा टाइम वेस्ट कर देते हो कि भाई उसमें क्या चल रहा है, उसमें क्या चल रहा है, भाई अपना पढ़ाई में ध्यान दो, याद से 6-7 साल बाद आपको रियलाइज़ होगा। तो भाई ये जो मैंने बातें बताई हैं ये आपको ऐसे बड़े भाई के तौर पर बताई हैं, क्योंकि बड़े भाई का हमेशा फ़र्ज़ ये होता है कि छोटों को हमेशा जो गलत रास्ते पर जा रहे हो ना तो उनको ठीक रास्ते पर लेके आना। तो दोस्तों ये था आज की इस वीडियो के अंदर, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।